स्वागत है आप सभी का आई न्यूज इंडिया में। लोकसभा चुनाव 2019 के चलते आए दिन नेताओं के विवादित बयान सामने आते हैं। हाल ही में माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने भी हावड़ा में एक विवादित बयान दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की तुलना दुर्योधन और दुशासन से की। उन्होंने कहा कि जैसी नौबत कौरवों के साथ महाभारत में हुई थी, वैसी ही मौजूदा राजनीति की महाभारत में होगी। यह बयान येचुरी ने हावड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि 100 कौरवों में से आपको दो भाइयों के नाम याद हैं, दुर्योधन और दुशासन। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर आपको कितने लोगों के नाम याद हैं? नरेंद्र मोदी और अमित शाह। येचुरी ने कहा कि ये याद रखिएगा, जो एक तरफ की सांप्रदायिकता है वो दूसरे तरफ की कट्टरता को मजबूत करती है। उन्होंने बीजेपी और टीएमसी को ध्यान में रखते हुए बोला कि दोनों दलों की राजनीतिक और सैद्धांतिक साठगांठ है कि दोनों प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिकता में लगे रहते हैं। इसके चलते ये किसी राजनीतिक ताकत के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते, यानी पूरा का पूरा राजनीतिक प्रतिद्वंद इनके बीच होता है। उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए यहां तक कहा कि वह तो गुजरात के दंगों के बाद जरूरत पड़ने पर केंद्र में मंत्री भी बन गई थी। अब देखने वाली बात यही होगी कि इस चुनावी मौसम में क्या येचुरी के इस विवादित बयान पर उन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया से। धन्यवाद।